तो मैं आ चुका हूँ फाइनली व्हाइट कुर्ता लेने के लिए। भाई तू एक घंटे में एक बैलून भर रहा है, कब तक भर पाएगा? नहा लेते हैं यार, क्योंकि इंसान बन जाऊंगा। बहुत शानदार शानदार। तो ये हमारी होगी लाइन और यहाँ पे हमारा बंदा खड़ा होगा जिसको हम गोल करने वाले हैं। हाय मेरे प्रिय मित्रों, की हाल चाल, मैं हूँ सुशांत सराफ और आज है होली, होली का दहन। और मेरी तरफ से आप सभी को दिल से हैप्पी होली। तो आज वाले दिन में होने वाली होली का दहन, मतलब आज 24 तारीख है और खेलने वाली होली कल है, मतलब 25 तारीख को। और वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि आज से एग्जाम मेरे खत्म हो गए, मतलब कल ही खत्म हो गए थे, क्योंकि लास्ट टाइम क्लास 10th के एग्जाम फंस गए थे तो यार मैं होली भी नहीं खेल पाया था। अब पिछले साल तो मैं होली खेल नहीं पाया था, इसलिए जो अंदर से कर्ज होती है होली खेलने की वो बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं बहुत खतरनाक वाली होली खेलने वाला हूँ कल, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ ये वीडियो तुम्हें स्किप मत करना और लास्ट तक देखना इस वीडियो को। तो इस वीडियो को मैं दो दिन कंबाइन करके बनाऊंगा, आज है होली का दहन एंड कल है होली। तो वैसे मेरे को आज कुछ सामान वामान नहीं लेने जाना था, मतलब रंग खरीदना है और कपड़े खरीदने। मैं सोच रहा हूँ कि भाई व्हाइट कलर क्यों ना कुर्ता ही पहना जाए, जो कि मेरे बचपन का सपना था यार, व्हाइट कलर के कपड़े पहन के होली खेलने का। आज वाली वीडियो तुमने देखी होगी तो मैंने उसमें तुम्हें दिखाया था कि मेरे घर में बन रही है गुजिया और कुछ चीजें बन रही थी, तो आओ दिखाता हूँ। उसे बन के दिखा नहीं पाया था, अब तो बन गया है वो। ये देखो ये सारा आइटम बन चुका है यार, ये कितनी टेस्टी होती है सच में। और इसमें भी देखो कुछ पापड़ रखे हुए हैं, ये ना शक्कर के साथ खाने में बहुत ज्यादा मजा आती है, जिसने खाया उसको पता होगा। तो यार बच चुके हैं शाम के 8, इसलिए मैं सोच रहा हूँ चलो कुर्ता और रंग खरीद लेते हैं, नहीं तो फिर खोली किससे खोलूंगा यार मैं, खेलूंगा। गाइस तो मैं शॉप में आ चुका हूँ अपना व्हाइट कुर्ता लेने के लिए, चलते हैं यार और देखते हैं व्हाइट कुर्ता मिलता है नहीं, क्योंकि मेरे बचपन से सपना था कि मैं व्हाइट कुर्ता पहनकर होली खेलूं। भैया मेरे को ना व्हाइट कुर्ता चाहिए यार होली के लिए। एक्चुअली बात क्या है ना, पिछले 10 साल से मैं घर के पुराने कपड़े पहन रहा था यार, हर साल 100-100 रुपए जोड़ता था, तो पिछले 10 साल में 1000 रुपए जुड़ गए। तो मेरा सपना था कि मैं कुर्ते पहनकर ही होली खेलूं, तो मेरे को कुर्ता ही चाहिए। यार ये कुछ कुर्ते ठीक लग रहे हैं, बट मेरे को व्हाइट चाहिए, व्हाइट नहीं क्या? गाइस यार देखो ये वाली बात है, जब कुर्ते हैं तो पैसे नहीं है और पैसे हैं तो कुर्ते नहीं है, तो इस बार मैं फिर से कुर्ते नहीं पहनने वाला। तो यार ठीक है, अब पुराने कपड़े पहन के होली खेलना पड़ेगा, अब घर चलते हैं वापस, क्योंकि अब कुछ पहन लेते हैं घर में। गाइस तो अभी मैं जा रहा हूँ खरीदने के लिए पिचकारी, तो चलते हैं यार देखते हैं कहाँ पे क्या मिलता है। मेरे शहर में कुछ होली वाली लाइटें लगी हुई हैं, ये साल भर में लगी हैं बट कभी कभी जलती है, हमेशा तो नहीं जलती। तो सबसे पहले मैं इस दुकान से दो कलर लेता हूँ, क्योंकि कलर नहीं रहेगा तो होली कैसे खेलूंगा यार। उसके बाद भैया से आने के बाद मैं मोल भाव करता हूँ, लेकिन यार मेरा मोल भाव सक्सेसफुल हो नहीं पाया था। उसके बाद मैं आकर देखता हूँ ये पिचकारी पर, ऐसा देखकर लगता है कि मुझे अब पिचकारी की जरूरत है नहीं। यार गाइस देखो मैं तो अपने आप को बंदर ही मानता हूँ, और मुझे बंदर वाला ये चेहरा भी मिल चुका था, मेरा मिशन तो सक्सेसफुल हो ही गया था भाई होली का। यार कसम से मैंने ना इसको पूरे शहर में लगा कर लाया था यार, ये भूत वाला मास्क मैंने खरीद लिया है, सबके पास चलते हैं और रिएक्शन कैप्चर करते हैं, उन्हें कैसा लगता है ये पहन के चलता हूँ। बोलो सुबह केसरी। तो अब फाइनली टाइम आ चुका था फेस रिवील करने का, और मैंने फेस रिवील कर भी दिया। भाई साथी ने मेरा चेहरा चुरा लिया है, अब इसको मैंने बचाने नहीं वाला। A few minutes later. रात के 11:30 बजे होली का दहन करने के बाद मैं फिर उठता हूँ अगले दिन सुबह होली खेलने के लिए। तो भाइयों बहनों आज है होली एंड मैं अभी 11 बजे सोकर उठ रहा हूँ। Hi guys, good morning फिर से। तो आज है दिवाली, आज है होली एंड मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी होली। तो सबसे पहले मेरा काम ये है कि सबसे पहले पुराने कपड़े ढूंढना है और पहनना है, क्योंकि अगर मैं ये वाले कपड़े पहना तो फिर मम्मी मेरे को पहना देंगी पता नहीं क्या। और मैंने सुबह उठते एक काम कर लिया, मतलब इतने सारे बैलून से तो मैं फुला नहीं पाऊंगा, क्योंकि आज हम लोग एक चैलेंज वीडियो शूट करनी है जो तुम आगे देखोगे। तो मैंने अपने दो दोस्त को बुला लिया है, मतलब एक भैया और एक मेरा दोस्त है, तो वो भी आ रहे होंगे। ये देखो गाइस सुबह सुबह कौन आ चुका है, मेरे दो मित्र। हैप्पी होली, हैप्पी होली, पार्टी दे रहा है। जिस दिन मेरी शादी होगी उस दिन भाई मैं इनके तरह आज होली खेलने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ इनके तरह। ये देखो तो आप लोगों ने सुबह सुबह से क्या कर रखा है, मतलब गुजिया वुजिया खाने को मिली या नहीं मिली? नहीं तुम्हारी यहाँ तो खाने आए हैं। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। तो ये लोग आए हम लोग को कलर लगाने, बट हम लोग कैसे बस्ती बचाते आए हैं। वैसे आप तो कचौड़ी खाने आए थे ना, आई एम सॉरी गुजिया। हैप्पी होली। गाइस जैसे शादी करने के पहले शादी की तैयारी की जाती है, वैसे होली खेलने के पहले होली की तैयारी की जाती है, तो इसलिए मैंने बुला लिया अपने दोस्तों को, मतलब जो कि मेरे से बड़े हैं, तो इनके साथ सबसे पहले मैं होली की तैयारी करूंगा। तो ये हमारे पास बैलून्स बैलून्स भरेंगे और पिचकारी अपने रिलोड करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि भाई क्या सीन करने वाले हैं। पेमेंट तो करा दें। पेमेंट हो जाएगी सर, जब वीडियो से व्यूज आएंगे उसका पेमेंट हम 10 साल बाद कर देंगे आपकी। तो ठीक है सबसे पहले बाल्टी में पानी भरते हैं, उसके बाद तैयारी करना शुरू करते हैं। भाई मैंने इनके ऊपर तो रंग डाल दिया है, खैर इनको मैंने काम करवाने के लिए थोड़ा सा बुलाया था। दूर से सब्बल चलाओ बलदेव, खूब आराम से।
मतलब रंग वंग भरवाने के लिए बुलाया था पर इन्हीं के ऊपर मैं रंग डाल दिया। सॉरी यार, रेड में रेड हो गया आपका पूरा। देखिए सच में इनका रेड रेड हो गया पूरा। तो यार ठीक है, रंग लगाना लगना होता रहेगा, तब तक हम अपने बैलून्स को भर लेते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। भाई हम दिवाली में ना भाई हम होली में चैलेंज वीडियो शूट करने जा रहे थे, पर भाई बैलून में भरने के लिए पिचकारी नहीं हमारे पास, तो सर्वप्रथम अभी हम पिचकारी लेने जा रहे हैं। इधर देखिए, लग रहा है आपने भांग वाली मिठाई खा रखी है तीन चार। सच बात है क्या ये? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो बड़ी कष्ट के साथ हमने ये पिचकारी और क्या ले लिया हमने, बैलून्स बैलून्स ले लिया। अब चलते हैं, भरते हैं और लोगों को परेशान करना शुरू करते हैं। ये देखो सामने लोग कैसे खड़े हैं भाई। शर्ट उठा के लगाने भाई, पक्का रंग लगाओ ना इसको। सिरमिट टिमिट दियो भाई, जो दूर से सब्बल चलाओ बलदेव। ओके ओके यार, देखो सामने वाले सुधार लेके मैं आ गया हूँ पिचकारी। भाई वीडियो बनने जाए गाइस। एक्चुअली हमारे साथ समस्या क्या हो रही है ना कि पहले वाली जो हम लोग पिचकारी लेके आए वो तो खराब निकल गई, सेकंड वाली जब हमने आंटी से मांग के लाया तो वो भी खराब हो गई। अब बड़ी मुश्किल से भाई एक बैलून भरा है, वो भी खराब है। मतलब इतना छोटा सा, देखो इसका हम क्या ही उपयोग करेंगे। अब इसको मैं उपयोग करता हूँ कि इसको बांध लेता हूँ। ये लोग सोचा था कि पीछे से बैलून फोड़ देंगे, पर मैंने देख लिया पीछे से। और भाई तू एक घंटे में एक बैलून भर रहा है, कब तक भर पाएगा साले? तू तो कुछ करवा नहीं रहा, बैठा हुआ है ठीक है। अब इतने मुश्किल से भाई हमने एक गलती कर दी, पता है इसके अंदर हमने रंग ही भरना भूल गया है भाई। तो पानी सिंपल भर दिया है क्योंकि साले पिचकारी तो काम आ नहीं। पिचकारी लाए तो उसके टुकड़े हो गए ना भाई। तू जोकर लग रहा है। जोकर तो मैं बचपन से हूँ भाई, तेरे को नहीं पता क्या? इस कड़ी धूप में खून पसीने के मेहनत के साथ हमने फाइनली बैलून्स में पानी भरी दिया था। तो भाई आपको सबको मेरी तरफ से भाई इतनी मेहनत करने के बाद देखो ये कैसे बैठा है। और ये इतने मुश्किल से भाई इतने बैलून हम लोग भर पाए, दो तीन घंटे हमारे इसी में चले गए हैं। तो वो फाइनली शुरू करने वाले हैं हमारा गेम ये बैलून वाला। गाइस तो हम लोग तैयारी करके थक चुके हैं, और ये बंदर कौन आ रहा है? मेरी बिरादरी का है भाई। भाई कैसा है? गेम स्टार्ट करने के पहले हमें ये सब साइड करना पड़ेगा, ये तो फिर मम्मी हमें घर से साइड कर देंगी। भाई तुम्हें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है वैसे। गाइस तो फाइनली सारी तैयारी शुरू हो गई। तो हमारा गेम कुछ ऐसा लगा कि यहाँ पे मैंने रखा है बीच में बैलून्स, और हम तीन लोगों तो तीन अलग अलग डायरेक्शंस पे रहेंगे। और मैंने अपना एक एक्स्ट्रा फोन यहाँ पे सेट कर दिया जिससे मतलब एंगल रहे, क्योंकि हम तीन लोग हैं तो उसके बाद हम लोग कैमरा पकड़ नहीं सकते हैं। और एक फोन हमारा सेट होगा वहाँ पे इस वाले कोने पे, और हम लास्ट में देखेंगे भाई सबसे ज्यादा गीला कौन हुआ, क्योंकि अभी हम सब बहुत कम गीले हैं। और भाई ये भरने में कसम से बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। तो ठीक है यार, गेम को शुरू करते हैं। और जो भाई सबसे ज्यादा गीला होगा उसको हम डालेंगे ये बाल्टी वाला पानी जो कि पूरे रंग में भरा हुआ है। गाइस मैंने तो ये बता दिया कि जो हारने वाला को हम डालेंगे एक रंग से भरी हुई बाल्टी, पर जो जीतेगा उसे क्या मिलेगा? तो हमारा दोस्त समर कुछ स्पॉन्सर कर रहा है, 50 रुपए की नोट स्पॉन्सर कर रहा है। ये तो धोती खोल रहा है। ओके गाइस, तो हम शुरू करने वाले हमारा फर्स्ट राउंड गेम का। तो ये जो हमारी पिचकारी इसको हम यूज करेंगे ऐसा एरो की तरह, हम पहले इसको राउंड करेंगे और जिसके तरफ जाएगी उसको मिलेगी चांस मारने की बैलून। तो ऐसा करते करते हम सब तीनों लोग करेंगे, और जो जीतेगा तो तुम्हें बता ही दिया कि मैं क्या प्राइस और क्या सजा मिलने वाली उसको। तो भाई पहली चांस इसको मिल रही है, ये हम दोनों को मिलके मारेंगे। भाई हमारे गेम में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। हमने क्या बदलाव किया है कि जो हमारी यहाँ पाइप लगी है ऊपर उसकी परछाई पड़ रही है नीचे, तो ये हमारी होगी लाइन, और यहाँ पे हमारा बंदा खड़ा होगा जिसको हम गोल करने वाले हैं। तो समर यहाँ पे आके खड़े हो, तो ये बीच में खड़ा रहेगा, और हमारी जो टीम रहेगी जिसकी तरफ भी बॉटल या पिचकारी आएगी वो यहाँ से खड़े होकर निशाना लगाएगा उसके ऊपर। तो देखते हैं ये गेम कैसा होने वाला है यार। तो भैया को मिलेंगे सिर्फ पांच राउंड में, देखते हैं कितने बैलून लगते हैं समर को, और उसके बाद फिर चांस आएगी, जो जितने ज्यादा बैलून मार पाएगा वो जीत जाएगा। तो ठीक है शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत करते हैं पहले राउंड की। चलिए भैया शुरू करिए। चलिए ये पहला बैलून है, और वाह वाह पहले शुरुआत कितनी अच्छी हुई है यार, पहले ही लगा। तो गाइस सेकंड राउंड शुरू हो चुका है। ओ बच गया यार इस वाले राउंड। भाई अब ये दो राउंड भैया के और बच्चे, अब देखते हैं कितने मार पाते हैं, क्योंकि भैया तो सिर्फ मतलब पांच में अभी दो तो मार ही चुके हैं। हमारे संस्कार भी ऐसे पांच बैलून में दो बार मार पाए हैं। ठीक है भाई, तो मैं तो पिट चुका हूँ संस्कार भी ऐसे, अब बारी ऐसी शांत की, तो देखते हैं वो कितना मिस करता है। भाई पीछे खड़े हो, बहुत डर लग रही। खैर कोई बात नहीं है, मेरे को मारेंगे जब गेम खत्म होने के बाद, मैं इनको मारूंगा फिर। ठीक है तो संस्कार भी अब मार रहे हैं, देखते कितनी बार खाता है। भाई बच गया यार। भाई आपको थोड़ा सा पास से मारना चाहिए, क्योंकि हमने लाइन ये डिसाइड की थी। अरे यार लगा क्या ये चीटिंग कर रहा है? नहीं खाया
चीटिंग करता है तू। तो शिशांत अभी इस गेम में फर्स्ट पोजीशन में क्योंकि सिर्फ इसे एक बॉल लगी हुई है। एक्चुअली क्या ना, मैं टॉम हॉलैंड की ज्यादा मूवीज देखता हूँ स्पाइडरमैन की, इसलिए थोड़ा बच गया भाई। पांच में सिर्फ एक बार ही मेरे को मार पाए। तो यार ये थर्ड राउंड है और बारी है समर की मारने की। चलो समर देखते हैं तुम कितने स्कोर कर पाते हो भाई, वो कितना मार पाते हो। स्टार्ट करो मार। बच गए। बाप रे क्या कर रहे हैं समर, चार खत्म थे। ये लास्ट है गाइस और ये लास्ट है, अब देखते हैं समर मार पाता कि नहीं। तो लास्ट वाले राउंड का विनर तो मैं, क्योंकि भाई सिर्फ मैं एक बार मार खाया, बाकी सब दो दो बार मार खाए। तो अब इसके बाद हम नया राउंड शुरू करने वाले हैं एंड इस वाले राउंड में हम कोई बलून किसी को भी मारेंगे और बहुत मजा आने वाली है। कुछ ऐसे ही करने वाले हैं यार। ये लास्ट वाला राउंड सबसे खतरनाक था क्योंकि इसमें हम किसी को भी बलून मारने वाले थे एंड भाई देखते चलो क्या होता है आगे। खत्म, बाय बाय टाटा। भाई हमारा गेम तो हो चुका है, बाहर चल के देखते हैं कि कोई आए लोग। ये देखो हमारा हमारा चैलेंज तो पूरा कंप्लीट हो गया। आंटी है ये लोंडा। क्रॉप टॉप भैया का, क्रॉप टॉप बात करो। यार आज जितने भी गेम हुए थे ना सारे राउंड से मैं ही जीता था, बट हम डिसाइड करते हैं कि सारे लोग हम साथ में गीले होंगे। तो यार मैं वापस आ चुका हूँ घूम फिर कर, कहीं ऐसा ना कि तुम मुझे पहचान ना रहे हो, बट कोई बात नहीं। देखो अभी अंदर आते ही क्या काम मिल गया है, मैं भी खीर बना रहा हूँ यार। अभी मैं नहाने नहीं वाला क्योंकि अभी मैं कहीं और जाने वाला हूँ। होली खेल कर मैं इतना थक चुका था ना कि जल्दी से मैं नहाने के बाद ये खीर ही खाने वाला था। अभी मैं ट्राई करूंगा कि नहीं नहाऊं यार, क्योंकि मेरा एक और जगह जाने का प्लान है और अभी थोड़ा और रंग वंग लगाना है क्योंकि इतने दिनों बाद तो मैं होली खेल रहा हूँ। Few minutes later. तो ये आ चुका है हमारा हेल्दी खाना यार। होली खेलने के बाद ही खाने में बहुत मजा आती है और मैं नहा के तैयार हो गया हूँ। देखो यहाँ का तो कलर भी नहीं छूटा यार, यहाँ पे और कान में भी कलर नहीं छूटा है, पर मैं बहुत थक चुका, पा रही मुझे नींद। तो खाते हैं यार जल्दी से और फिर देखते हैं क्या करना है।